हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कैनन M50 मार्क टू की अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि एक मिररलेस कैमरा है। तो आज हम देखेंगे ये जो कैमरा है वो कैसा है, इसकी वीडियो क्वालिटी और इमेज क्वालिटी कैसा है, और इसकी बॉक्स में हमें कैमरे के साथ और क्या क्या मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है कैनन M50 मार्क टू की बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर कैनन की ब्रांडिंग भी दिया गया है, और यहाँ पर एक्चुअल कैमरे की इमेज देखने में मिलता है, और इसकी मॉडल नेम भी दिया गया है, जैसे कि EOS M50 मार्क टू। और बॉक्स की साइड में भी ऊपर की तरह कैमरे की एक्चुअल इमेज, ब्रांडिंग और मॉडल नेम दिया गया है। इसके अलावा भी इसकी कुछ की फीचर्स मेंशन किया गया है, जैसे कि ये कैमरा 24.1 मेगापिक्सल की है, 4K वीडियो शूट कर सकता है, 12 पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है, और ब्लूटूथ और वाईफाई की सपोर्ट भी मिल जाता है। और ये भी मेंशन है कि इस बॉक्स में आपको 15x45mm की एक किट लेंस मिल जाता है। तो अब मैं इस बॉक्स को खोल लेती हूँ। बॉक्स के ऊपर कैमरे की कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाता है, 2 ईयर की वारंटी कार्ड, यूज़र गाइड, ये सब मिल जाता है। तो ये है हमारा कैमरा कैनन M50 मार्क टू। ये है इस कैमरे की किट लेंस, जो हमें बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, 15x45mm की है। ये है इस कैमरे की चार्जिंग एडाप्टर, इस तरीके के है। तो ये है कैमरे की बैटरी, तो मैं एक बार देख लेती हूँ ये कितनी एमएच की है। तो ये जो बैटरी है 875 मिली एम्पेयर की है। चार्जिंग केबल, और ये है कैमरे की स्ट्रैप। हमने इस कैमरे को 56,500 से ख़रीदा है। आप अगर ख़रीदने जाओगे तो इसकी प्राइस आपको ज़्यादा या कम भी मिल सकता है। हमने इस कैमरे के साथ एक ट्राइपॉड भी ख़रीदा है, जो कि कैनन की ही है, और ये जो ट्राइपॉड है रिमोट कंट्रोल के साथ आता है। तो मैं अब आप लोगों को इस ट्राइपॉड ग्रिप को एक बार खोल कर दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके की है ये ट्राइपॉड ग्रिप। इसकी जो प्राइस हमें पड़ा है वो 6,500 की पड़ा है। कैमरे के साथ हमने एक सैनडिस्क की 64GB की मेमोरी कार्ड भी ख़रीदा है। तो ये सब कुछ हमें कैमरे की बॉक्स में मिल जाता है, और ये दो चीज़ जो है हमने ख़रीदा है एक्स्ट्रा इस कैमरे के लिए। तो अब मैं आप लोगों को कैमरे की एक फिज़िकल ओवरव्यू दे देती हूँ। तो कैमरे के सामने यहाँ पर आप देखेंगे कैनन की ब्रांडिंग दिया गया है, और ये जो है एक कैमरे की किट लेंस है, जो कैमरे के साथ बॉक्स में मिलता है, 15x45mm की है। इसकी कैप पे भी कैनन की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर EOS लिखा हुआ है। और ये जो बटन मिलता है, इस बटन को क्लिक करके आप इस लेंस को खोल सकते हैं। और यहाँ पर एक रेड लाइट मिल जाता है, जब आप फोटो क्लिक करोगे तब ये लाइट ब्लिंक करता है। और कैनन की ब्रांडिंग के नीचे आपको दो माइक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपकी बातें वगैरह रिकॉर्ड होगा। और जहाँ कैनन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको एक फ्लैश लाइट मिल जाता है, जिसको आपको फिजिकली ओपन करना पड़ेगा। कैमरे के ऊपर की साइड में आपको कुछ बटन वगैरह मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस कैमरे को ऑपरेट कर पाएंगे। ये है इसके ऑन ऑफ स्विच, ऐसे आप इसको ऑन कर पाएंगे और ऐसे ऑफ़ कर पाएंगे। बटन ये है इस कैमरे की शटर बटन, जिसकी मदद से आप फोटो वगैरह क्लिक कर पाएंगे, और इस बटन की मदद से आप डायरेक्टली वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। और ये जो सर्कल डायलर बटन मिल जाता है, इसकी मदद से आप इस कैमरे को ऑटो और मैनुअली मोड पर ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर आप एक्स्ट्रा माइक वगैरह अटैच कर पाएंगे। और ऊपर में ही आपको इस कैमरे की मॉडल नेम भी दिख जाएगा, जैसे कि EOS M50 मार्क टू। कैमरे के सामने भी आपको कुछ बटन मिल जाएगा इस कैमरे को ऑपरेट करने के लिए। इस बटन को क्लिक करके आप कैमरे की फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह डिलीट कर पाएंगे। और यहाँ पर फ्लैश बटन मिल जाता है, और इस बटन को क्लिक करके आप फ़ोटो, वीडियो वगैरह जो भी आप खींचा है या शूट किया है, इसको आप देख पाएंगे। और यह है कैमरे की डिस्प्ले, जिसे आप फ्लिप भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। और ये जो डिस्प्ले है वो एक टच डिस्प्ले है। और सामने कैमरे की व्यू फाइंडर भी मिल जाता है, और इसमें सेंसर भी दिया गया है। जब इसके सामने आप आंखें, हाथ वगैरह ले जाएंगे तो स्क्रीन जो है ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा LED लाइट भी मिल जाता है, जब कैमरा ऑन होता है तब ये ब्लिंक करता है। और कैमरे के नीचे इस कैमरे को माउंट करने के लिए एक पोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर मिलता है कैमरे की बैटरी और मेमोरी कार्ड कंपार्टमेंट। यहाँ पर बैटरी लगता है, और यहाँ पर मेमोरी कार्ड। और बैटरी को आप ऐसे करके खोल सकते हैं, और मेमोरी कार्ड को प्रेस करके खोलना पड़ता है।
और इसे लगाने के लिए ऐसे पुश करना पड़ता है। मैं जो क्लेम दिया गया है इसमें आप स्ट्रैप वगैरह को अटैच कर पाएंगे। और कैमरे की राइट साइड में आपको HDMI पोर्ट और माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। और ये जो बटन है वाईफाई की बटन है। कैमरे के लेफ्ट साइड में माइक को अटैच करने के लिए 3.5 mm जैक मिल जाता है। अब मैं इस कैमरे की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करती हूँ। इस कैमरे की जो बॉडी है वो पूरा ही प्लास्टिक की है और डिज़ाइन के मामले ये कैमरा बहुत ही कॉम्पैक्ट है। DSLR कैमरे के मुकाबले जो कैमरा है बहुत ही छोटा है। एक मिररलेस कैमरा है। इस कैमरे की जो बॉडी है एक डिजिटल कैमरे के आसपास है और इस कैमरे को अच्छी ग्रिप देने के लिए DSLR की तरह एक ग्रिप दिया गया है और ग्रिप की जगह पर एक लेदर की डिज़ाइन दिया गया है अच्छा ग्रिप देने के लिए। अभी मैं इस कैमरे के कुछ फीचर्स के बारे में बात करती हूँ। इस कैमरे पे 24.1 मेगापिक्सल की एक सेंसर मिल जाता है। ये जो कैमरा है डुअल ऑटो फोकस के साथ आता है। इस कैमरे से आप 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं, लेकिन 4K वीडियो जो होता है वो क्रॉप करके होता है। ये जो कैमरा है ऑटो आई डिटेक्ट कर लेता है, आप अगर मूव भी करोगे फिर भी ये आई को डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वीडियो और इमेज क्वालिटी जो है शेकी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को इस कैमरे की कुछ वीडियो और इमेज सैंपल दिखा देती हूँ, ताकि आप बेटर जज कर पाओ इस कैमरे की क्वालिटी कैसा है। तो यही था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को कैमरे के बारे में कुछ जानना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।